द ट्रू ब्यूटी पोएट है थॉमस केरी। इसमें पोएट व्हाट इज़ ट्रू ब्यूटी इसके बारे में बता रहे हैं कि सच्ची सुंदरता क्या होती है। इनका पोयम यहाँ से देखिए। ही दैट लव्स ए रोजी चीक आर ए कोरल लिप एडमायर्स आर फ्रॉम स्टार लाइक आई डस से फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डी से सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। ही मिस वह दैट लव्स वह जो प्यार करता है ए रोजी चीक एक गुलाबी गालों से आर ए कोरल लिप एडमायर्स और मिस या कोरल लिप मीन्स मूंगे जैसे होठ एडमायर्स मीन्स प्रशंसा करना या एक मूंगे जैसे लाल होठों की जो प्रशंसा करता है और मिस या फ्रॉम स्टार लाइक आइज या सितारों जैसी आँखों को जो खोजता फिरता है फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स फ्यूल टू मेंटेन ईंधन को बनाए रखने के लिए हिज फायर्स अपने प्रेम रूपी अग्नि के ईंधन को बनाए रखने के लिए जो सितारों जैसी आँखों को खोजता फिरता है लेकिन एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डी से एज में जैसे जैसे ओल्ड टाइम समय बीतता जाता है मैक्स बना देता है दीज डी से इन्हें डी से मीन्स नष्ट कर देना तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। तो दीज यहाँ पर बता रहा है रोजी चीक कोरल लिप और स्टार लाइक आइज जिसको दीज इंडिकेट कर रहा है। एक बार पुनः देखेंगे ही दैट लव से रोजी चीक वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है आर ए कोरल लिप एडमायर्स या मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डस्सी या सितारों जैसी आँखों को खोजता फिरता है फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स अपने प्रेम की अग्नि को बनाए रखने के लिए लेकिन एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डी से जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये चीज़ें नष्ट हो जाती हैं सो इसलिए हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे इसलिए उसके प्रेम की ज्योति भी अवश्य ही समाप्त हो जाती है इस प्रकार उसका प्यार भी नष्ट हो जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे ही दैट लव्स ए रोजी चीक आर ए कोरल लिप एडमायर्स दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोयम ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस केरी। हेयर द पोएट इज सेइंग दैट द मैन हु ऑलवेज लाइक्स टू सी ब्यूटीफुल लिप्स चीक्स एंड आइज ऑफ ए वुमैन एंड हु ऑलवेज ट्राई टू एडमायर्स टू सी रोमांटिक लिप्स ऑफ अ वुमैन आर फ्रॉम स्टार लाइक आई डस सी आर द मैन हु ऑलवेज लाइक्स टू सी रोमांटिक आइज ऑफ अ वुमैन सो दैट फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर सो दैट हिज लव्स कुड बी मेंटेन और हिज लव्स वुड बी सर्वाइव। सो वी कैन से दैट द मैन हु लाइक्स ओनली फिजिकल ब्यूटी बट इट इज़ नॉट रियल लव बिकॉज एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डी से सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे जस्ट लाइक एज द टाइम पासिस फिजिकल ब्यूटी ऑल्सो डिस्ट्रॉय इफ देयर इज नो फिजिकल ब्यूटी then there is no true love. So the poet Thomas Carew is saying that the man who only loves physical beauty but as the time passes then the physical beauty also passes away. So when physical beauty destroy then there is no physical beauty so there will be no true love. Second stanza. But a smooth and steadfast mind gentle thoughts and calm desires heart with equal love combined kindle never dying fires where these are not I despise lovely cheeks or lips or eyes. Yahan par dekhiye but a smooth and steadfast mind
बट मीन्स लेकिन ए स्मूथ एंड स्ट्रेट फास्ट माइंड मीन्स एक शांत और दृढ़ विचारों वाला व्यक्ति। जेंटल थॉट्स कोमल विचारों वाला व्यक्ति एंड काम डिजायर्स और शांत इच्छाओं वाला व्यक्ति। हर्ट्स विथ इक्वल लव कम्बाइंड, हर्ट्स का मतलब अपने हृदय में विथ इक्वल लव एक समान प्रेम को कम्बाइन जोड़े रखता है या संजोए रखता है। किंडल जलाता है, नेवर डाइंग फायर्स, नेवर मिस कभी न डाइंग मिस समाप्त होने वाली फायर्स मिस प्रेम की अग्नि को, अर्थात वह अपने हृदय में कभी न बुझने वाली प्रेम की अग्नि को जलाता है। वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं, आई डिस्पाइस, डिस्पाइस मिस हेट घृणा करना, जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं, आई डिस्पाइस मैं घृणा करता हूँ लवली चिक्स प्यारी गालों से, आर लिप्स या प्यारी होठों से, आर आइज या प्यारी आँखों से। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बट ए स्मूथ एंड स्ट्रेट फास्ट माइंड, जेंटल थाट्स एंड काम डिजायर, हर्ट्स विथ इक्वल लव कम्बाइंड। इन द सेकेंड स्टंजा द पोएट थॉमस कैरी इज सेइंग दैट द मैन हु हैज स्मूथ एंड स्ट्रेट फास्ट माइंड एंड द मैन हु हैज जेंटल थाट्स आर जेंटल आइडियाज एंड हु हैज पीस माइंड एंड सच टाइप ऑफ मैन कीप इक्वल लव इन दियर हर्ट्स। Kindle never dying fires and such type of man always burn a true light of love in their heart which will never finish. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. In the last two lines, the poet Thomas Carey is saying that where these qualities are not available, then the poet will not like, the poet will dislike, the poet will hate beautiful cheeks and beautiful lips and beautiful eyes. At last we can say that the beauty of character is true beauty.